श्री गुरु नानक देव जी के 550 साल प्रकाशोत्सव को हरियाणा में राज्य स्तरीय उत्सव के रूप में मनाया गया। मुख्य समारोह 4 अगस्त 2019 को सिरसा अनाज मंडी में बड़े हर्षोल्लास और उमंग के साथ आयोजित किया गया। सभा स्थल पर गुरु नानक देव जी की चरण स्पर्श धरती गुरुद्वारा चिल्ला साहिब सिरसा से लाई गई पवित्र बेड़ का प्रकाश किया गया, जिसकी साज सज्जा देखते ही बनती थी। समारोह में प्रदेश के कोने कोने से भारी संख्या में आई साध संगत ने गुरु घर की हाजिरी भरी। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के बैठने के लिए अलग अलग पंडालों में समुचित व्यवस्था की गई थी। इस समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने समारोह में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। गुरु नानक देव जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित इस प्रदर्शनी की थीम रबाब से नगाड़ा तक थी, जिसका अर्थ है कि पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने रबाब के माध्यम से तो दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने नगाड़े के माध्यम से मानवता को अपना संदेश दिया। इन दोनों वाद्य यंत्रों को बजाकर मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया गया। मुख्यमंत्री ने इससे प्रभावित होकर खुद पूरे जोश के साथ नगाड़ा भी बजाया। मुख्यमंत्री ने समारोह के दौरान कैथल में लगाई गई संत चूड़ामणि भाई संतोख सिंह की प्रतिमा का रिमोट के जरिए अनावरण किया। आज ही कैथल दे विच भाई संतोख सिंह जी कवि होए ने चूड़ामणि उन्हां दी प्रतिमा दा आज अनावरण असीं कीता है ताकि समाज दे जिहड़े अच्छे लोग ने उन्हां दी यादगार उन्हां दी अमृता ये बनी रहे ते आज उन्हां दा असीं एक स्टैचू जिहड़ा है उन्हों मुख्यमंत्री ने लंगर स्थल पर जाकर संगत को लंगर वितरित किया और खुद भी लंगर ग्रहण किया। उन्होंने समारोह में आयोजित पौधारोपण अभियान में शामिल होकर पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री रक्तदान शिविर में स्वेच्छा से रक्तदान दे रहे युवाओं से भी मिले। उन्होंने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350 साल पर करनाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में की गई घोषणाओं को लगभग पूरा कर दिया है। बहुत सारे काम हो गए हैं, क्योंकि उस इलाके के जड़े जड़े काम आए थे, भावे अंबाले दे विच माता गुजरी के नाते VLDA का मामला सीगा, भावे एक सड़क सीगी मानव चौक तो लैके और अगे उस सड़क का नाम माता गुजर कौर के नाते असी सड़क का नाम रखिया। और हुण भी असी तय किया है कि जिन्हें तीर्थ स्थान ने उन्हां तीर्थ स्थानों पर भावें उस सिख समाज के तीर्थ स्थान ने हिंदू समाज के तीर्थ स्थान ने या किसी होर समाज के तीर्थ स्थान ने उत्थे जिहड़े लोग जाते हैं उन्होंने 50% कंसेशन दे के और असी भेजने हैं कि अपने तीर्थ स्थानों पर जिहड़े जाणगे बुजुर्गों को खास करके छूट दें कि वह जा करके और उन्होंने तीर्थों पर जाके और रह के आन। सारे पंडाल में संगत दर्शन कर मुख्यमंत्री भव्य साज सज्जा से सुशोभित गुरु दरबार पहुंचे, जहां माथा टेक कर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंच पर मौजूद सिख संतों ने मुख्यमंत्री को सरोपा भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के मंच से बहुत सी घोषणाएं की, जैसे गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के सरकारी भूमि को नीति के अनुसार गुरुद्वारा के नाम करने की घोषणा। इन्होंने क्या सैकड़ों साल तो उत्थे साड़ी अपनी प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हो रहा गुरुद्वारा साहब उत्थे ने क्यों नहीं इन्हें परमानेंट गुरुद्वारा चिल्ला साहब के नाम करता जाए। मैं उस दिन उन्होंने कहा असी इन पूरी कोशिश करके वधावांगे। मैं अज तुहानू यह दसना चाहना कि जिहड़ी गवर्नमेंट की पॉलिसी होंदी है उस हिसाब नाल असी वह जमीन गुरुद्वारा साहब के नाम करा देंगे। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की राजधानी लोहगढ़ यमुनानगर जिले च है, जिसलिए पता लगा कि इत्थे उन्होंने अपनी राजधानी बनाई सी और पहला सिख राज अगर कायम किया तो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उत्थों चलाया सी। उत्थे बहुत सारी जमीन है जिहड़े खंडर पए है, अज उत्थों अवशेष मिलते हैं। उत्थे असीं एक ट्रस्ट बना के एक स्मारक बंदा सिंह बहादुर जी के नाम पर एक स्मारक बनेगा और उत्थे जिन्हां भी लड़ाइया साड़ियाँ सिख ग्रुप यानी साडे सेनापतियों ने जिहड़ियां कीतियां ने उन्होंने शस्त्र अस्त्र उन्होंने जो म्यूजियम है वह भी बनेगा। हरियाणा सरकार ने वर्तमान पीढ़ी को देश के महान पुरुषों की जीवनी से अवगत करवाने के लिए उनकी जयंतियों को राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के रूप में मनाने का जो सराहनीय निर्णय लिया है उसका लाभ सर्वत्र हरियाणा में देखने को मिल रहा है। सिरसा में हुए श्री गुरु नानक देव जी के 550 साल प्रकाश उत्सव समारोह में भी लाखों की तादाद में जनता ने पहुंचकर लाभ उठाया।